हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास नारियल बच जाता है पूजा के वक्त या ऐसे भी कहीं से नारियल आते हैं, तो गाइस अंदर की चीज़ें तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, पर क्या होता है जो उसके ऊपर की जो जड़ें रहती है उसका क्या इस्तेमाल है मैं आपको बताऊँगी गाइस। तो गाइस मेरे पास एक नारियल बच गया था, तो मैंने क्या करा, उसकी जो ऊपर की जो ये जड़ें रहती है, जटा बोलते हैं इसको और छिलके बोल सकते हैं नारियल के, जो कि इसके ऊपर लगे हुए रहते हैं, तो ये गाइज मैंने इसको अच्छी पूरी तरीके से निकाल लिया। और गाइज इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती, थोड़ी सी ताकत लगती है बस थोड़ी सी, और ये निकल गए हैं गाइज। उसके बाद हम इसको कैंची से काट के इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लो और इसको मिट्टी के साथ मिला के रख दो। तो गाइज ये क्या होगा, ये मतलब कोकोपीट में कन्वर्ट हो जाएगी गाइज, और ये आपके गमलों के लिए इस्तेमाल होगी। तो गाइज गर्मियों में ये है ना नमी को स्टोर करके रखेगी। गाइज इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मियों में। गाइज यहाँ देखिए मैं काट काट के रख रही हूँ, यहाँ पे और भी सब्जियों के छिलके हैं।